हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2021 किसी मोस्ट इंपोर्टेंट ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, एथि मुझे नेक एसी टॉप 20 सिलेक्टेड ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपण मैंने आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी मध्य जणाई पारिबे आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुचंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछ आपण मानक पई, केउंटी उत्तम हस्ताक्षर लेखनर परिपंथी परिपंथी माने नेगेटिव से पचार विपरीत। तो उत्तम हस्तकर लिखन कौटा से विपरीत पचार मैंने कौटा नेगेटिव स्टेटमेंट रही से पचार। तो देखो, उत्तम हस्तकर लिखन गुण बा तार लक्षण हूँ जे अक्षर गुड़ी निर्भुल कर लिखा, एटा गोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट माने उत्तम हस्तकर लिखन अंडर में जाऊँगी। अक्षर आकार समान रखा, अक्षर आकार गुड़ाक समान रखा, यहाँ उत्तम हस्तकर लिखन अंडर में जाऊँगी। शब्द शब्द मधे व्यवधान रखा, ये न रखा देखिए, ये न रखा हाँ कहीं उत्तम हस्तकर लिखन मान शब्द शब्द मधे व्यवधान रहीद्वारा आम भलसे बुझीपर। तो सहीटा हूँ उत्तम हस्तकर लिखन रोटे उदाहरण, आउ लिखन गतिक्रमश वृद्धि करवा। तो यही चार स्टेटमेंट आपर सही रहो, कि देखो मुझे रखुच्छे ये आपर ऑप्शन ए पॉजिटिव स्टेटमेंट रही, बी मध्य पॉजिटिव रही, सी मध्य पॉजिटिव, माने ये तीन टा स्टेटमेंट उत्तम हस्तकर लिखन गुण अटे अंडर आसुची, किंतु एटा नेगेटिव देची कहीं शब्द शब्द मधे व्यवधान रहा दरकार। जदि उत्तम हस्तकर लिखन ताल से शब्द शब्द मधे व्यवधान रही न रही, तो एटा आपर तार परिपंथी उत्तम हस्तकर लिखन परिपंथी बाटा गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, मौखिक धारा केउंटी शिक्षार्थी सहायक हुए ना, भाव विनिमय दक्षतार विकास, लिखन दक्षतार अभिवृद्धि, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि। तो देखो, मौखिक धारा बा ओराल आम जो ओराल टेस्ट करते, तो सहीटार केउंटी जो धारा रे जो मौखिक धारा केउंटी शिक्षार्थी सहायक हुए ना से पचार। तो देखो, भाव विनिमय दक्षतार विकास हम मैंने आमर जो टीचर जेको पचारे आम तार आंसर दे मैंने आम ये आम भाव आदान प्रदान होता आम दक्षता विकास हो पार, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण हो पार, आ भाव प्रकाश दक्षता अभिवृद्धि हो पार, किंतु लिखन अभिवृद्धिटा लिखन दक्षतार अभिवृद्धि केवे भी हेनी कहीं मौखिक मैंने ओराल से पचार। तो यहाँ आमर जदि लिखित देखे से आमर होता, कि लिखन दक्षता के अभिवृद्धि हेनी एटा एकदम अलग क्वेश्चन मैंने ऑप्शन भी अलग देखा जाए। तो आप जानपर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, केउंटी एक उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण ग्राह्य अटे, तो कौटा गोटे उत्तम प्रश्नपत्र गोटे गुण से पचार। तो देखो, चार्टा ऑप्शन रही, प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक तथा संतुलित होता दरकार, प्रश्न गुड़िक एकाधिक उत्तरमूलक होगा दरकार, प्रश्न गुड़िक आनुमानिक उत्तरमूलक होगा दरकार, प्रश्न गुड़िक विषय भित्तिक एवं अति जटिल होगा दरकार। देखो, जदि उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण हूँ जे प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक होता संतुलित होता दरकार, ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मैं, अष्टम श्रेणी में जल शीर्षक कविता शिक्षक श्रेणी गृह से पढ़ाई सारी जल संसार किपरि पूरी रही, सुना हीरा प्रभृति केउंटी जात होती आदि प्रश्न पचारे, ये प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पारा, तो यह शिक्षादान के लक्ष्य पूरण करुँ। तो जदि अष्टम श्रेणी जड़े जन शिक्षक जल शीर्षक पढ़ाइले पाला पचारे पचारापर से तार आंसर जदि ठीक दे पारे शिक्षक जहाँ पढ़ाई सीटा से बुझीपार। तो बुझीपर मैंने हूँ बोधात्मक बा बोधज्ञान ऑप्शन भी थी पारे, कौटे बोधज्ञान थाए कौटे बोधात्मक थाए, तो बुझीपर मैंने बोधात्मक ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नरे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउंटी बोधात्मक प्रश्न, तो कोडा बोधात्मक प्रश्न माने कोटा रे बुझे बुझे कहवाक पड़े से पचार, कौ प्रश्न आम बुझे कह पड़े बा एक्सप्लेन करी कहवाक पड़ो। तो देखो, ये पचार आकाशर विपरीत बोधक शब्द लेख, ये किसी बुझा दरकार नहीं, आपड़ मन रखिथे से कहे आकाशर विपरीत कौन हम, कखारु फुल देखिए क्यों रंगर, जो यहाँ आप कौन कौ रंग पचारे आप डायरेक्ट कहे हलदिया रंग, मैंने ए कौन से एक्सप्लेन करें किसी बुझेवाक दरकार ना, यहाँ आम ज्ञानात्मक आसा मत ज्ञानात्मक आसट फल नाम को मानने संज्ञा गोटे धारणा गोटे आमर गाणितिक पद आंकेतिक सिंबल गुड़ाक युवाक आम ज्ञानात्मक मानने से गुड़ा नलेज अंडर आस। ये तीन टा जाक आप ज्ञानात्मक होगा, तो ये आप देखते वृक्षलता आम कहीं दरकार, ये आमको यही क्वेश्चन आमको एक्सप्लेन कर बुझे कह पड़ो, बुझे कहवाक मैंने बोधात्मक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में प्रस्तुति समन्वित पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक केउंटी एक विशेषत्व नुहे से पचार मूल्यायन कार्यभित्तिक विमूर्त धारणा भित्तिक अभिज्ञता भित्तिक अभ्यास कार्यभित्तिक तो प्राथमिक स्तर में जदि प्रस्तुत आम जो समन्वित पाठ्यपुस्तक अच्छे से मूल्यायन कार्यभित्तिक हम आउ अभिज्ञता भित्तिक हम अभ्यास कार्यभित्तिक हम कि विमूर्त धारणा भित्तिक यहाँ हेबना यहाँ प्राथमिक स्तर में केवे हेनी प्राथमिक स्तर से स्टेज यहाँ के हुए ना तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषा लेखन दक्षता विकास पाई क्यों क्रमटी उपयुक्त चारिटा ऑप्शन रही दृष्ट लेखन श्रुत लेखन सूचनात्मक लेखन मुक्त लेखन सृजनात्मक लेखन श्रुत लेखन मुक्त लेखन दृष्ट लेखन सृजनात्मक लेखन सूचनात्मक लेखन तापर देखो दृष्ट लेखन मुक्त लेखन सृजनात्मक यही आप देखिपारे तो देखो करेक्ट सिक्वेन्स मैंने ठीक क्रमटा से पचार तो ठीक क्रम प्रथम आप दृष्ट लेखन मैं देखी लिखे श्रुत लेखन मास्टर मैंने शिक्षक कहे आम से शुणिकी लिखा श्रुत लेखन सूचना किसी तुमको हिंट्स दिजाव से हिंट्स अनुजाई तुम गोटे रचना गोटे जेकोसी लिखे तो सीटा गोटे लिखे तापर मुक्त लिखन गोटे आपज मुक्त लिखन कौन आम निजे जहाँ भी किसी लिखिपर से कि लिमिटेड ना कि नियंत्रण नापर हो सृजनात्मक लिखन सृजनात्मक लिखन लास्ट क्रम सृजनात्मक लिखन का कौ लोक पाखे रोचे ना जो मैंने जो रईटर मैंने लेखक कवि से किसी मैंने निजे क्रिएट करें कि नुआ कर सृजनात्मक लिखन कर तो यही क्रमटा हूँ मातृभाषा लिखन दक्षता विकास क्रमटा हूँ सब बेस्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझापी विद्यार्थी मैंने समर्थ हूँ तो क्यों पठन द्वारा जो गोटे प्रसंग भितर जहाँ कि रही तार भावधारा रही बुझापी विद्यार्थी मैंने समर्थ हो पारती तो द्रुत पठन नीरव पठन उच्च पठन दलगत पठन तो यहाँ हूँ नीरव पठन द्वारा आम गोटे प्रसंगर प्रसंग भितर जहाँ कि अच्छी भावधारा से आम बुझे समर्थ हो पार ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नक्त मध्य केउंटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकटें देखा जाए ना तो सीटी कौन ये नेगेटिव पचार कौटा देखा जाए ना से पचार तो चार्टा ऑप्शन रही कम कथन दक्षता सीमित शब्द भंडार निर्भुल वाक्य गठन कर नपर प्रश्न उत्तर भल भाव लेखिपर तो देखो ये रही बहुभाषी शिक्षार्थी मानक निकट कौटा देखा जाए ना तो देखो कौटा देखा जाए प्रथम आम जाणी रखुदे कौटा देखा जाए देखो बहुभाषी शिक्षार्थी बहुभाषी शिक्षार्थी मैंने जड़े ओडिया पिला सी जब हिंदी जब कर तो ताकि कहार हिंदी में कहवाटा कह कि से कम कह मैंने सबकिपर लिमिटेड वार्ड्स सी जान सब गुड़ा वार्ड से जापर कहीं आम खाली जो कथबार्ता विषय जापर आग कि वार्ड आम जापर ना जहाँकि आम ओडिया भाषा आम सबकि जान से आम कहीपर तो से लिमिट रु निर्भुल वाक्य गठन कर नपर आम गोटे तेलुगु आम ओडिया पिला आम हिंदी तेलुगु जेको भाषा जो वाक्य गठन करवा से किसी ना कि ग्रामेटिकाल मिस्टेक रही तो आम भूल रे तीन टाक स्टेटमेंट हूँ बहुभाषी शिक्षार्थी मानक देखा जाए मन रखुद ये ना तो मन रखुद एग्जाम इंपोर्टेंट रही कहीं आप देखी मन इच्छा मारे तो आप आंसर रंग हो तो ये तीन टाक पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने ये बहुभाषी शिक्षार्थी मानक देखा जाए कि प्रश्नर उत्तर भल भाव लिखिपर यहाँ से कभी लिखिपार ना भल भाव लिखिपारे लिख कि भल भाव लिखिपर ना कहीं तीन टाइप वीकनेस पॉइंट रही मैंने तीन टाक वीक पॉइंट रही तो से प्रश्न उत्तर भल भाव के लिखिपर ना तो ये आपर देखा जाए ना से पचार तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नक्त मध्य केउंटी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्गत नुहे आमर जो को करिकुलर एक्टिविटी रोचे से कौटा ता अंडर आसुनी से पचार तो कविता रचना प्रतियोगिता आवृत्ति प्रतियोगिता प्राचीर पत्रिका प्रतिका आ पाठ योजना तो देखो आमर जो भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम आसूँ कविता रचना प्रतियोगिता आवृत्ति प्रतियोगिता प्राचीर प्रतियोगिता ये तीन टा आसूँ कि पाठ योजना ता अंडर आसुनी तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केउंटी गठनमूलक परीक्षार अंतर्भुक्त नुहे आमर जो फॉर्मेटिव टेस्ट होती अंडर कौटा जाऊनी से पचार तो देखो प्रवीणता परीक्षण यहाँ गठनमूलक अंडर आसलब्धि परीक्षण यहाँ भी आसूँ एकक परीक्षण यहाँ आसूँ कितु वर्ष शेष परीक्षण करा को आम सामग्रिक परीक्षण कौन समेटिव कौन समेटिव टेस्ट कौन तो सहीटा से ऑप्शन नंबर डीटा हूँ अलग बाकी तीन टाइम अंडर आसूँ से कौटा आसुनी पचार तो आमर जो वर्ष शेष होटा समेटिव हो तो सहीटा अंतर्भुक्त नुहे ऑप्शन नंबर डी हूँ आप करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही मूल्यायन रु दुर्बल पिला चिन्हट करने शिक्षक कौन करेंगे तो अभिभावक मान को जनइबे प्रगतिपत्र लिखे प्रतिकारात्मक व्यवस्था करेंगे पिला उपदेश देवे तो देखु आमर मूल्यायन मूल्यायन रु दुर्बल पिला चिन्हट कले कौ रीति कले आम जो गोटे क्लास दे क्लास देलापर पाला परीक्षा कले जे कौ पिला बुझीपारी के कौ पिला बुझीपारे से आम टेस्ट कले से टेस्ट आम कौन कले ना चिन्ह पारे जो कौ पिला कौन विकने रही तो सीटा आम चिन्हट कर पारे कौ पिला विक् रही तो कौन कर आम रिमेडियल टीचिंग दौरान प्रतिकारात्मक व्यवस्था करुँच से पिला कौ भाया पढ़ेले आम सी बुझीपार तो सीटा कहुए प्रतिकारात्मक बा प्रतिकार मूलक व्यवस्था बा रिमेडियल टीचिंग कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेलक प्रश्न रु आम शिक्षार्थी क्यों दक्षता परीक्षा करी तो मेलक मान आमर जो रही जो मैचिंग रही क स्तंभ ख स्तंभ को मेलवा से आम कौ दक्षता पाई ज्ञान अवबोधन वस्तुनिष्ठता कौशल तो सीट आम अवबोधन आम बुझे पड़े आप कलम चार्टा दे थो बी कलम सतटा दे थो कौटा मानने कौटा का सहित जड़ित आम से बुझा पड़े बुझीपारे ही आपटा को करेक्ट करें तो सीटा अवबोधन दक्षता पर जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असंपृक्त शब्दी बाछी पृथक कर यहाँ कि प्रकार प्रश्न असंपृक्त शब्द को बाछी पृथक कर यहाँ कि प्रकार प्रश्न से पचार वर्गीकरण सत्यासत्य उत्तर मनोनयन मेलक तो देखो ये आपर कौन हम ना वर्गीकरण हो तो देखो कही रखुच्छे किसी एग्जांपल तो देखो ये आपको दे आपर कौन ना इंदुमती किचक बध प्रणय बलरी आउ अमृतर संतान अमृतर संतान इंदुमती किचक बध प्रणय बलरी तो यहाँ देखिए कौन कह मानने कौटा भिन्न बाछिकी लेख बा कौटा असंपृक्त बाछिकी लेख तो ये कौन हो इंदुमती किचक बध प्रणय बलरी ए तीन टा जड़े लिखिंट जड़े लेख किए लिखिंट से लिखिंट गंगाधर मेहर लिखिंट इंदुमती किचक बध आउ प्रणय बलरी आउ जो अमृतर संतान यहाँ गोपीनाथ महांती लिखिंट तो ये भिन्न कौटा रहा ना अमृतर महांती जड़े लिखिंट ए तीन टा जगह जड़े लिखिंट तो यहाँ अमृत जो अमृतर संतान यहाँ भिन्न मानने आम कौन कले क्लासीफाइड कले मैं मानने वर्गीकरण यहाँ जड़े लिखी से जड़े लिखिंट ये आम कौन जो वर्गीकृत कले क्लासीफाइड कले तो ये आपर वर्गीकरण से आसो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अतिरिक्त पाठर पठन पर क्यों पठनटी श्रेयस्कर से पचार उच्च पठन नीरव पठन द्रुत पठन रही रही पठन तो अतिरिक्त पाठर पठन पर नीरव पठन अधिक श्रेयस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही उच्च प्राथमिक स्तर में भाषार क्यों दिग उपर बेसी गुरुत्व दि जाए तो अपर प्राइमरी स्टेज रे भाषार कौ दिग तो देखो भाषा आमर जो रही भाषा स्किल रही चार्टा रही एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग माने श्रवण कथन पठन लिखन तो देखो जो फास्ट दुटा रही एल एस श्रवण आ कथन ए दुटा प्राइमरी स्टेज रे प्राथमिक स्तर रे ए दुटा को गुरुत्व दि जाए श्रवण कथन को प्राथमिक स्तर रे गुरुत्व दि जाए आउ जो उच्च प्राथमिक दे तो उच्च प्राथमिक स्तर रे पठन आ लिखन को गुरुत्व दि जाए तो एग्जाम रे तो ये क्वेश्चन पचार उच्च प्राथमिक तो आप करेक्ट आंसर होती पठन आ लिखन पर बेस गुरुत्व दि जाऊँच उच्च प्राथमिक स्तर में जदि प्राथमिक स्तर दे था सही आपर श्रवण कथन हो जाता तो मे बी एग्जाम प्राथमिक स्तर में आसपे तो आप मन रखिए तो ये आप सठिक आंसर होती ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी जातीय पाठ्यक्रम आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होई कौ जाति आमर जो कौ थे एनसीएफ जो आउ एनसीएफ रे पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होई तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जातीय पाठ्यक्रम 2005 एनसीएफ 2005 आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी कविता पाठर उद्देश्य पचार माने कौटा गोटे कविता पाठर उद्देश्य कठिन शब्द को बुझा कठिन शब्द को नहीं वाक्य गठन विराम चिन्ह व्यवहार पाठर आनंद उपलब्धि करवा तो कविता पाठर उद्देश्य पद्यर उद्देश्य कौन पद्य पढ़े आम कौन रसबोध विषय में बुझीपे तो सीटा आपर पाठर आनंद उपलब्धि करपन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी के उपायटी वर्णाशुद्धि निराकरण पर उपयोगी नुहे सरल रचना लिखन दृष्ट लिखन बनान खेल अभिधान व्यवहार तो करेक्ट आंसर होकर ना दृष्ट लिखन बनान खेल अभिधान व्यवहार ए तीन टा द्वारा आमर वर्णाशुद्धि निराकरण हो पार कि सरल रचना लिखन द्वारा वर्णाशुद्धि के निराकरण हो पार ना ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गठनमूलक परीक्षार शिक्षार्थी के उपलब्धि जाणी हुए
तो आमर जो फॉर्मेटिव टेस्ट करा जाउछि सेथिरे शिक्षार्थी को उपलब्धि जानि हबो तो पठन शिक्षण कथन आ श्रवण तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट आम जो कर फॉर्मेटिव जो गठनमूलक परीक्षा करें कौन कर शिक्षार्थीटा से शिक्षण उपलब्धि करें ना ना आम से जानुंट तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। तो गोटे क्लास दौरान क्लास देलापर आम परीक्षा करेंगे फॉर्मेटिव कहते हैं कौन कर ना पिलाटा के बुझला के पारा आते शिखी पारा मैंने शिक्षण उपलब्धि से केपारे आम टेस्ट करूँ तो यहाँ आप शिक्षण उपलब्धि के पाइला से जानापी आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षादान शेष सोपानी कौन शिक्षादान लास्ट स्टेज कौटा से पचार उपक्रम उपस्थापन शब्दाधिक शब्दार्थीकरण आउ मूल्यायन तो करेक्ट आंसर जी आप शिक्षादान शेष सोपान हो मूल्यायन इवालुएसन। तो फ्रेंड्स ये आप टॉप 20 करेंट टॉप 20 ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन तो आपने आउट ऑफ 20 केत मार्क रखुच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे निहत जनइबे जदि भिडियो भल लगी है निहत गोटे लाइक करेंगे अधिक मात्र कृपया सांगे साथी मैं सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।